नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 इंग्लिश लिटरेचर की एक बहुत ही रोचक कहानी सुनाऊंगा, जिसका शीर्षक है ए बैड ड्रीम बाय डॉन बायरन। दोस्तों, हम लोग हमेशा अच्छे या बुरे सपने देखते ही रहते हैं, लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि हम लोग रात में जब सोते हैं तो सपने देखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि दिन में ही सपने देखते हैं। क्या आप जानते हैं इन दोनों सपनों में क्या अंतर होता है, यानी कि ड्रीमिंग एंड इन डे ड्रीमिंग। तो डे ड्रीमिंग का मतलब होता है दिन का सपना, ठीक है। डू योर ड्रीम्स कनेक्ट टू रियल लाइफ सिचुएशन? क्या आपके जो ड्रीम हैं वो रियल लाइफ के साथ कनेक्ट होते हैं, और आर दे जस्ट फुल ऑफ वाइल्ड एंड वियर्ड हैपनिंग्स? क्या हमेशा आपके सपने बुरे होते हैं? आप अपने दोस्त के साथ ये शेयर ज़रूर करिएगा। नाउ लेट अस रीड द प्ले वेयर ए ड्रीम चेंजेस द एटीट्यूड ऑफ मिस्टर हिल। एक ऐसी स्टोरी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो कि मिस्टर हिल के नज़रिए में परिवर्तन कर देता है, एंड ब्रिंग्स अबाउट ए मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन हिज थिंकिंग, और उनके जो सोच में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो इस प्ले यह एक प्ले है और उसके कुछ कैरेक्टर्स हैं, आइए हम परिचय लेते हैं। जॉर्ज हिल हैं द मैनेजर ऑफ द बैंक, जेन हिल उनकी वाइफ हैं, एनी उनके घर में काम करने वाला रसोईया कुक, मिस्टर ब्रिक्स जो कि द असिस्टेंट मैनेजर ऑफ द बैंक, असिस्टेंट मैनेजर हैं बैंक के, और मिस्टर विंटर द कैशियर, कैशियर बोलते हैं जो पैसे काउंट करता है, पैसे का हिसाब किताब रखता है। तो सीन वन स्टार्ट करते हैं। इट इज़ अबाउट 2:00 ऑन संडे आफ्टरनून, और दो बजे दोपहर की बात है और दिन संडे का है। मिस्टर एंड मिसेस हिल हैव हैड लंच एंड दे आर थिंकिंग कॉफ़ी इन द सिटिंग रूम, दे आर ड्रिंकिंग कॉफ़ी इन द सिटिंग रूम। तो मिस्टर हिल और मिसेस हिल जो है लंच कर रहे हैं, लंच कर चुके होते हैं, हैव हैड लंच यानी कि कर चुके होते हैं, एंड वो कॉफ़ी पी रहे हैं इन द सिटिंग रूम। मिस्टर हिल बोलते हैं, ओह दिस कॉफ़ी हैज़ ए टेरिबल टेस्ट, कितना बेकार कॉफ़ी बनाया गया है। वाई कांट एनी मेक गुड कॉफ़ी, क्या एनी अच्छा कॉफ़ी नहीं बना सकती है? इट इज़ क्वाइट ईजी, ये तो बहुत आसान है। यू कैन सो हर, और तुम तो उसको बता सकती हो कि अच्छा कॉफ़ी कैसे बनाया जाता है। मिसेज हिल बोलती हैं आई हैव सोन हर, मैंने उसको बताया है, यू नो दैट, और तुम जानते हो। सी मेक्स गुड कॉफ़ी फॉर ए फ्यू डेज़, और वो कुछ दिन के लिए अच्छी कॉफ़ी तो बनाती है, लेकिन बाद में फिर से वो वही रवैया, वो भूल जाती है। देन सी फॉरगेट्स अगेन, आई एम अफ्रेड सी इज़न्ट वेरी क्लेवर, और मुझे लगता है कि वो बहुत बुद्धिमान नहीं है। मिस्टर हिल बोलते हैं, यू आर क्वाइट राइट, तुम बिल्कुल सही हो, सी इज़न्ट वेरी क्लेवर, हाँ वो बहुत बुद्धिमान नहीं है। एंड सी इज ए बैड कुक, और वो बहुत ही खराब कुक है, खराब रसोईया है। द लंच वॉज टेरिबल, और लंच भी बहुत ही खराब था, बेकार था। टू आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू अबाउट इट, मैं तुमसे इस बारे में बात करना चाहता था। मिसेज हिल बोलती हैं, मस्ट यू डू इट नाउ, क्या तुम अभी बात करोगे, क्या तुम्हें अभी बात करना चाहिए? इट्स संडे आफ्टरनून, ये तो संडे की छुट्टी वाला दिन है, दोपहर का समय है। मिस्टर हिल बोलते हैं, नो आई कांट वेट, इट कांट वेट, जो बात के बारे में चर्चा हो रही है कि जो बात है वो वेट नहीं कर सकता है, वो अभी ही उसकी बात होगी। आई मस्ट स्पीक टू यू अबाउट एनी, मुझे तुमसे ज़रूर बात करनी चाहिए एनी के बारे में। मिसेज हिल बोलती है, ऑल राइट टेल मी, ठीक है बोलो, रेदर सैडली, और वो थोड़ी सी सैड हैं। नाउ यू सी, मिस्टर हिल बोलते हैं, वेल द ट्रबल इज़ दिस, अब देखिए ट्रबल ये है, पीपल कम टू अवर हाउस,
लोग हमारे घर आते हैं, दे कम फॉर डिनर, और वे डिनर के लिए आते हैं एंड दे गेट बैड फूड, और उनको ख़राब खाना मिलता है, टेस्टलेस. व्हाट डू दीज पीपल थिंक ऑफ मी, ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वे लोग क्या सोचेंगे. आई एम द बैंक मैनेजर, मैं बैंक मैनेजर हूँ, और एक बैंक मैनेजर के बारे में ख़राब इम्प्रेशन जाना अच्छा नहीं है. मिसेज हिल बोलती हैं, बट वॉट कैन आई डू डू जॉर्ज. तो मिसेज हिल बोलते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं आखिर. आई नो द फूड इज़न्ट वेरी गुड, मैं जानती हूँ कि फूड बहुत अच्छा नहीं है. नेक्स्ट टाइम आई विल कुक द डिनर माई सेल्फ, और अगली बार मैं खुद से ही खाना बनाऊँगी. मिस्टर हिल बोलते हैं, नो यू कैंट डू दैट, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती, यू आर माई वाइफ, तुम मेरी वाइफ हो, एंड यू मस्ट मीट दीज पीपल, और तुमको जो लोग आते हैं उनसे मिलना चाहिए. यू कैंट स्पेंड योर टाइम इन द किचन, और तुम सारे समय किचन में नहीं बिता सकती हो. मिसेज हिल बोलती हैं, व्हाट इज़ द आंसर देन, तब क्या होगा, तब क्या उत्तर होगा तुम्हारे प्रश्न का. मिस्टर हिल, इट्स ईजी, वी मस्ट गेट ए न्यू कुक, हम लोगों को एक नया कुक ढूंढना चाहिए, एक नया कुक हायर करना चाहिए. मिसेज हिल बोलती हैं, बट एनी हैज़ बीन विद अस फॉर ए लॉन्ग टाइम, एनी तो बहुत दिनों से हमारे यहाँ काम कर रही है, नियरली 20 years, और 20 सालों से. वी कॉन्ट डू दिस टू हर, और हम लोग ऐसा उसके साथ नहीं कर सकते हैं. सीजन्ट ए यंग वूमन नाउ, और वो अब यंग भी नहीं रही है, वो अब बूढ़ी हो चुकी है. नाउ सी विल हाउस हाउ विल सी फाइंड ए न्यू जॉब, वो कैसे एक नया जॉब ढूंढेगी. मिस्टर हिल बोलते हैं, आई डोंट नो, मैं उसके बारे में नहीं जानता हूँ. सी मस्ट गो, उसको चले जाना चाहिए. थिंग्स आर डिफरेंट नाउ, और अब चीज़ें बदल चुकी हैं. आई एम द मैनेजर ऑफ ए बिग बैंक, और मैं एक बड़े बैंक का मैनेजर हूँ. वी मस्ट हैव ए गुड कुक, और हम लोगों को एक अच्छा कुक रखना ही चाहिए. मिसेस हिल बोलती हैं, यू आर डिफरेंट नाउ जॉर्ज, तुम बदल चुके हो. यू हैव चेंज्ड, तुम बदल गए हो. यू डोंट केयर अबाउट पीपल, और तुम्हें अब चिंता नहीं होती है लोगों की. मिस्टर हिल बोलते हैं, आई केयर अबाउट द बैंक, मैं बैंक के बारे में केयर करता हूँ. एंड आई केयर अबाउट आवर कस्टमर्स, मैं कस्टमर्स के बारे में केयर करता हूँ. सो एनी मस्ट गो, इसीलिए एनी को अब जाना चाहिए. एक्सप्लेन द मैटर टू हर, और उसको ये बता दो. सी विल अंडरस्टैंड, और वो समझ जाएगी. गिव हर 3 months, और उसको 3 महीने का समय भी दे दो. सी कैन फाइंड ए न्यू जॉब इन दैट टाइम, और वो 3 महीने में कोई अच्छा सा जॉब ढूंढ लेगी. मिसेज हिल बोलती हैं, इट वॉन्ट बी ईजी, ये बहुत आसान नहीं है. मिस्टर हिल बोलते हैं, विल यू टेल हर टुडे, क्या तुम आज ही बताओगी उसको. मिसेज हिल बोलती हैं, कांट आई डू इट टुमारो, क्या कल नहीं बताऊँ मैं. मिस्टर हिल बोलते हैं, नो यू विल फॉरगेट अबाउट इट, डू इट टुडे, आज ही बताओ क्योंकि तुम भूल जाओगी. मिसेज हिल बोलती हैं, ऑल राइट आई विल स्पीक टू हर टुडे, ठीक है मैं आज ही उससे बात करेंगी, बेचारी औरत. मिस्टर हिल बोलते हैं, आई फील रैदर टायर्ड, और मैं थोड़ा सा थका हुआ महसूस कर रहा हूँ. आई थिंक आई विल हैव ए लिटिल स्लीप, और मुझे थोड़ा सा सो जाना चाहिए. मिसेज हिल बोलती हैं, यू स्टे हेयर, तुम यहीं रहो. आई हैव समथिंग टू डू, मुझे कुछ काम करना है. आई वॉन्ट डिस्टर्ब यू, और मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगी. मिसेज हिल गोज आउट ऑफ द रूम, और मिसेज हिल जो है वहाँ से चली जाती हैं. एंड मिस्टर हिल पुट्स हिज फीट ऑन ए चेयर, और देखिए यहाँ पे मिस्टर हिल जो है चेयर पे बैठ करके अपने पाँव को दूसरे चेयर पे रख के वो आँख बंद कर लेते हैं, और आँख बंद करते के साथ वो नींद में चले जाते हैं. मिस्टर हिल इज स्टिल अस्लीप, देयर इज़ ए नॉक एट द डोर, और तब एक नॉक होता है. वो सो रहे हैं, मिस्टर हिल इज स्टिल अस्लीप, वो सो रहे हैं, तभी एक नॉक होता है डोर पे. मिस्टर हिल हियर्स द नॉक एंड वेक्स अप, और मिस्टर हिल जो है नॉक को सुनते हैं, खटखटाहट को सुनते हैं, और उठ जाते हैं. मिस्टर हिल बोलते हैं, हु इज़ देयर, कम इन. टू मैन कम इन टू द रूम, और दो आदमी रूम में आते हैं. द फर्स्ट इज़ ब्रिक्स,
द असिस्टेंट मैनेजर ऑफ द बैंक, द सेकेंड इज़ विंटर द कैशियर. और दो लोग अंदर आते हैं, फर्स्ट ब्रिक्स है और दूसरा विंटर. ठीक है, विंटर कैशियर है और ब्रिक्स असिस्टेंट मैनेजर है. ब्रिक्स बोलता है गुड आफ्टरनून सर, वी आर नॉट डिस्टर्बिंग यू आर वी. मिस्टर हिल बोलते हैं वाई, इट्स ब्रिक्स एंड विंटर. इन फैक्ट आई वॉज हैविंग अ लिटिल स्लीप. वॉज इट इट वॉट इज इट, इज़ इट समथिंग इम्पॉर्टेंट. तो मिस्टर हिल पूछते हैं कि ब्रिक्स और विंटर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, क्या कोई इम्पॉर्टेंट काम है. ब्रिक्स बोलता है यस इट इज़ रैदर इम्पॉर्टेंट सर, हाँ सर ये इम्पॉर्टेंट काम है. मिस्टर हिल बोलता है आई होप इट इज़ इन ट्रबल, क्या कोई दिक्कत तो नहीं आई है शायद. द बैंक इजंट ऑन फायर इज इट, क्या बैंक को आग तो नहीं लग गया. मिस्टर हिल लाफ्स एट हिज जोक, और मिस्टर हिल जो है खुद ही अपने जोक पे हंसता है. लेकिन ब्रिक्स और विंटर नहीं हंसते हैं. ब्रिक्स बोलता है नो सर द बैंक इजंट ऑन फायर, बैंक में तो आग नहीं लगा है. बट वी हैड टू सी यू, लेकिन हम लोगों को आपसे मिलना था. वी वॉन्ट टू टॉक टू यू, हम लोग आपसे बात करना चाहते हैं. मिस्टर हिल बोलते हैं टुडे संडे कांट इट वेट, तो आज संडे के दिन क्या तुम्हारी बात वेट नहीं कर सकती थी. यू कैन टेल मी टुमारो, तुम कल बता सकते थे. कम एंड सी मी इन ऑफिस, कल आओ और कल बताना ऑफिस में. विंटर बोलता है इट कांट वेट सर, अब वेट नहीं हो सकता है सर. वी मस्ट टॉक टू यू टुडे, और हम लोग अवश्य ही बात करेंगे, आज ही बात करेंगे. मिस्टर हिल बोलते हैं आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ. वेल सिट डाउन बोथ ऑफ यू, ठीक है बैठो. द टू मैन सिट डाउन. नाउ व्हाट्स द मैटर, अब बताओ कि क्या बात है. और देख सकते हैं पिक्चर. मिस्टर ब्रिक्स बोलता है इट इज़ नॉट ईजी टू बिगिन सर, और ये बहुत आसान नहीं है शुरुआत करना. विंटर बोलता है शैल आई टेल हिम ब्रिक्स, क्या मैं बताऊँ. वन ऑफ अस मस्ट डू इट, किसी न किसी को तो बताना ही पड़ेगा. ब्रिक्स बोलता है नो आई विल डू इट, आई एम द असिस्टेंट मैनेजर, और मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ और मुझे ही बताना चाहिए. वेल सर वी थिंक यू आउट टू रिज़ाइन, और ब्रिक्स एक सैड न्यूज़ देता है मिस्टर हिल को कि सर हम लोगों को लगता है कि आपको रिज़ाइन दे देना चाहिए, आपको त्याग पत्र दे देना चाहिए बैंक को. मिस्टर हिल इन ए वेरी सरप्राइज वॉइस, और वो बहुत आश्चर्यचकित हैं और बोलते हैं रिज़ाइन कर देना चाहिए, लीव द बैंक छोड़ देना चाहिए. व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम क्या बात कर रहे हो. इज दिस ए जोक, क्या ये एक मजाक है. ब्रिक्स बोलता है नो इट इज़न्ट ए जोक, नहीं ये जोक नहीं है. मिस्टर हिल बोलता है नाउ वन मिनट प्लीज़, इट्स संडे आफ्टरनून, एक मिनट प्लीज़, ये इट्स संडे आफ्टरनून, ये एक इतवार रविवार का दोपहर है, और तुम आते हो, यू कम टू माई हाउस एंड डिस्टर्ब मी, तुम आते हो और डिस्टर्ब करते हो और कहते हो कि मुझे रिज़ाइन करना चाहिए. देन यू टेल मी दैट आई आउट टू रिज़ाइन. विंटर बोलता है वी आर वेरी सॉरी सर, हम लोग बहुत माफ़ी चाहते हैं. वी नो इट्स संडे, हम लोग जानते हैं कि यह रविवार है, छुट्टी का दिन है. बट वी हैड टू टेल यू, लेकिन हम लोगों को ये बताना था आपको. मिस्टर हिल बोलते हैं बट यू कैंट डू दिस, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते हो. आई एम द मैनेजर, मैं बैंक का मैनेजर हूँ. यू आर द ओनली असिस्टेंट मैनेजर एंड विंटर इज़ ओनली द कैशियर, विंटर कैशियर है और तुम सिर्फ असिस्टेंट मैनेजर हो. एक मैनेजर के साथ तुम ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते हो. यू कैंट स्पीक टू मी लाइक दिस, इस तरह से मुझसे बात तुमको नहीं करना चाहिए और तुम नहीं कर सकते हो. ब्रिक्स बोलता है वी आर डूइंग इट फॉर द बैंक सर, हम लोग बैंक के लिए ऐसा कर रहे हैं. विंटर बोलता है इट विल बी ए गुड थिंग फॉर द बैंक, ये अच्छा होगा बैंक के लिए. बिलीव मी, मेरा विश्वास कीजिए कि यही अच्छा होगा बैंक के लिए. मिस्टर ही बोलता है आई हैव हैड इनफ, और अब बहुत हो चुका, मैंने बहुत सुन लिया. गो होम बोथ ऑफ यू, टेक ए होलीडे, एक छुट्टी ले लो और कम बकवास मत करो.
ठीक है, ब्रिक्स बोलता है वी आर ऑल राइट सर, हम लोग ठीक हैं सर, और हम लोगों को वी डोंट नीड ए हॉलीडे, और हम लोगों को हॉलीडे नहीं चाहिए। विंटर बोलता है बट वी मस्ट हैव योर आंसर टुडे, लेकिन हम लोगों को आपका आंसर चाहिए आज ही। विल यू रिज़ाइन, क्या आप रिज़ाइन करेंगे। मिस्टर हिल बोलता है इट्स लाइक ए बैड ड्रीम, ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बुरा सपना है। Why must I resign? आखिर मुझे resign क्यों करना चाहिए? What have I done? मैंने क्या किया है? Tell me that. वो मुझे बताओ। ब्रिक्स बोलते हैं You don't manage the bank well, sir. आप bank को अच्छी तरह से manage नहीं करते हैं। Mr. Hill बोलता है angrily, Of course I manage the bank well. मैं अवश्य ही बहुत अच्छी तरह से bank चलाता हूँ। Thousands of people use our bank. हजारों लोग हमारा बैंक यूज़ करते हैं और बिजनेस व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। ब्रिक्स बोलता है ओह वी नो दैट सर, हम लोग जानते हैं। बट वी डू ऑल द वर्क, हम लोग काम करते हैं। दे यूज़ आवर बैंक बिकॉज वी वर्क हार्ड, क्योंकि हम लोग स्टाफ मेंबर्स बैंक के स्टाफ्स काम करते हैं, नॉट द बैंक मैनेजर। विंटर बोलता है एंड यू आर नॉट नाइस टू द पीपल इन द बैंक, और आप जो बैंक के लोग हैं, बैंक में जो काम करने वाले लोग हैं, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। यू आर नाइस टू द कस्टमर्स, आप सिर्फ कस्टमर से अच्छा व्यवहार करते हैं, बट नॉट टू अस, नो वन लाइक्स यू, और कोई भी आपको पसंद नहीं करता है। मिस्टर हिल बोलता है ओह आई नो दे डोंट लाइक मी, हाँ मैं जानता हूँ कि बैंक के जो मेम्बर्स हैं वो मुझे पसंद नहीं करते हैं। दे हैव टू हार्ड वर्क हार्ड, क्योंकि वो वर्क हार्ड नहीं करना चाहते हैं, और मुझे उनको वर्क हार्ड करवाना आता है। दे हैव टू वर्क हार्ड, और उन्हें हार्ड वर्क करना पड़ेगा, एंड दे डोंट लाइक दैट, और वो वही पसंद नहीं करते हैं। विंटर बोलता है बट यू डोंट वर्क हार्ड सर, लेकिन आप खुद तो हार्ड वर्क नहीं करते हैं, मेहनत नहीं करते हैं। मिस्टर हिल बोलता है ऑफकोर्स आई डू सर, मिस्टर हिल क्या बोलते हैं ऑफ कोर्स आई डू, मैं करता हूँ मेहनत। ब्रिक्स बोलता है ओह नो सर, फॉर एग्ज़ाम्पल यू कम लेट इन द मॉर्निंग, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप सुबह में देर से आते हैं, एंड यू ऑफन लीव अर्ली, और जल्दी चले जाते हैं। विंटर बोलता है, ब्रिक्स बोलता है एंड यू टेक 2 or 3 hours फॉर लंच, और 2-3 घंटे आप लंच करते हैं। वी स्पेंड ऑल डे इन द बैंक, हम लोग दिन भर बैंक में काम करते हैं, बट यू आर नेवर देयर, लेकिन आप वहाँ नहीं मौजूद रहते हैं। मिस्टर हिल बोलता है बट आई एम द बैंक मैनेजर, दैट्स पार्ट ऑफ माई जॉब, और ये जॉब का पार्ट है। आई हैव टू लुक आफ्टर इम्पॉर्टेंट पीपल, मुझे इम्पॉर्टेंट पीपल का देखभाल करना पड़ता है। आई हैव टू लंच विद देम, मुझे उनके साथ लंच करना पड़ता है, भोजन करना पड़ता है। इट्स गुड फॉर बिजनेस, और ये बिजनेस के लिए अच्छा है। ब्रिक्स बोलता है इट्स प्लेजर सर, यानी कि ये आनंद है सिर्फ। यू आर फॉन्ड ऑफ गुड फूड, आप अच्छे खाने के शौकीन हैं, और सिर्फ आप आनंद लेते हैं। मिस्टर हिल बोलता है आई वॉन्ट लिसन टू दिस, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहता। विंटर बोलता है बट यू मस्ट, लेकिन आपको सुनना पड़ेगा, सुनना चाहिए। मिस्टर हिल बोलता है आई शैल राइट टू द हेड ऑफिस अबाउट यू, मिस्टर हिल धमकी देता है कि मैं हेड ऑफिस में तुम्हारी शिकायत कर दूंगा, लिख दूंगा। देन यू विल हैव टू रिज़ाइन, और तब तुमको रिज़ाइन करना पड़ेगा। ब्रिक्स बोलता है वी हैव ऑलरेडी रिटन अबाउट यू सर, और ब्रिक्स ऑलरेडी कहता है कि हम लोगों ने आपकी शिकायत पहले ही कर दी है। विंटर बोलता है यस सर वी एक्सप्लेन द मैटर एंड दे अग्री विथ अस, हम लोगों ने हेड ऑफिस में मैटर को एक्सप्लेन किया, और वो अग्री करते हैं कि आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, और आप सिर्फ मज़े करते हैं बैंक में। मिस्टर हिल बोलता है व्हाट यू हैव रिटन टू द हेड ऑफिस, क्या तुमने हेड ऑफिस को लिख दिया है, बिहाइंड माय बैक, मेरे पीठ के पीछे। ब्रिक्स बोलता है वी हैड टू डू इट सर, हम लोगों को ये करना पड़ा। वी आर ओनली थिंकिंग ऑफ द बैंक, और हम लोग सिर्फ बैंक के बारे में विचार कर रहे थे। विंटर बोलता है एंड दे अग्री यू मस्ट रिज़ाइन, और विंटर बोलता है कि हेड ऑफिस भी ये अग्री करता है कि आपको रिज़ाइन कर देना चाहिए।
मिस्टर हिल बोलते हैं बट दे कांट डू दिस टू मी, वे ऐसा कैसे कर सकते हैं, आई हैव स्पेंड 30 years इन द बैंक, मैंने 30 साल बैंक में व्यतीत किया है, ब्रिक्स बोलता है। थिंक ऑफ द बैंक सर, आखिर बैंक के बारे में सोचिए, इट विल बी ए हैप्पियर प्लेस विदाउट यू, ये बहुत बढ़िया प्लेस होगा अगर आप यहाँ नहीं रहेंगे, मिस्टर हिल बोलता है। बट वट एम आई गोइंग टू डू, अब मैं क्या करूँगा, आई एम नॉट ए यंग मैन, मैं जवान आदमी नहीं हूँ, हाउ कैन आई फाइंड ए न्यू जॉब, और मुझे एक नया जॉब कैसे मिलेगा, विंटर बोलता है। ओह यू विल फाइंड समथिंग सर, आपको कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, ए जॉब इन एन ऑफिस, और छोटे मोटे ऑफिस में मिल जाएगा, ब्रिक्स बोलता है। एंड यू कैन हैव टाइम सर, और आपके पास समय भी तो है सर, 2 or 3 months, 2-3 महीने का समय है, यू विल बी एबल टू फाइंड ए न्यू जॉब, और 2-3 महीने में आपको एक नया जॉब मिल जाएगा। मिस्टर हिल बोलता है, आई एम नॉट श्योर, मैं पक्का नहीं हूँ कि मुझे कोई जॉब अब मिलेगा। ब्रिक्स बोलता है, बट यू प्रॉमिस टू रिज़ाइन डोंट यू सर, लेकिन आपने प्रॉमिस किया कि रिज़ाइन कर दूंगा, क्या आपने किया नहीं किया। मिस्टर हिल, वेल आई मस्ट, हाँ मुझे कर देना चाहिए, द हेड ऑफिस अग्रीज विद यू, क्योंकि हेड ऑफिस भी तुम लोगों के साथ अग्री करता है। विंटर बोलता है, थैंक यू सर। ब्रिक्स, वी आर सॉरी अबाउट दिस सर, हम लोग बहुत दुखी हैं इस बात से। ब्रिक्स एंड विंटर स्टैंड अप, ब्रिक्स बोलता है, यू विल कम टू द ऑफिस टुमारो वॉन्ट यू सर, क्या आप कल ऑफिस आएंगे, है ना सर। मिस्टर हिल, यस यस आई विल बी देयर। विंटर बोलता है, बट प्लीज़ कम ऑन टाइम सर, लेकिन आप प्लीज़ समय पे आइएगा। ब्रिक्स एंड विंटर से गुड आफ्टरनून एंड गो आउट, ब्रिक्स और विंटर जो है वो गुड आफ्टरनून कह करके और वो चले जाते हैं। मिस्टर हिल सिट्स विथ हिज हेड इन हिज हैंड्स, आफ्टर ए टाइम मिस्टर हिल मिसेज हिल कम्स इन, और थोड़ी देर के बाद मिसेज हिल आती है, सी इज़ वियरिंग ए हैवी कोट एंड सी हैज़ ए बैग इन हर हैंड, और उन वो एक हैवी कोट पहने हुए हैं और उनके हाथ में एक बैग है। तो आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं, आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसको ख़त्म करेंगे। थैंक यू।